तो जी जो जो एलिमेंट था क्या ये कि ये जो फ्री स्टेट या तो कॉम्बाइंड स्टेट में मिलेगा है कि नहीं, तो ये फ्री स्टेट या तो कॉम्बाइंड स्टेट में मिलने वाला को मतलब उसका कौन सा प्रॉपर्टी उसको डिफाइन करेगा, उसका तो रिएक्टिविटी है कि नहीं, जो तुम लोग क्लास 8 में पढ़ा होगा है कि नहीं, रिएक्टिविटी सीरीज। तो उसमें क्या आता था, सोडियम हो गया, पोटासियम, सोडियम आपका मान है ठीक है, सबसे ऊपर में कौन कौन सा था, पोटासियम और सोडियम था। तो ये क्या है, पूरा हाईली रिएक्टिव है, इसलिए जो हाईली रिएक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, किसी और के साथ कंबाइन होकर ही मिलेगा, क्योंकि वो क्यों होता था वो तो सबको पता है कि नहीं, एड में तो पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज। तो उसमें ये क्या है कि जो हाईली रिएक्टिव होता है वो सभी क्या होगा, कंबाइन स्टेट में मिलेगा, और जो लेस रिएक्टिव है जैसे कि गोल्ड हो गया, अरे यार सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया ठीक है, वो सब क्या होगा, फ्री स्टेट में मिलेगा, हो गया। और ये जो एलिमेंट्स है उसका और एक प्रॉपर्टी क्या है, दे कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, मतलब एक न्यूक्लियर रिएक्शन से हम लोग एक और नया एलिमेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स है ये तो या तो वो एक सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या क्या होगा, गैसेस होगा ठीक है। लिक्विड जो होता है सिर्फ तीन होता है एलिमेंट्स, सिर्फ तीन लिक्विड होता है, मतलब एलिमेंट्स का जो है वो बस थ्री एलिमेंट्स हम लोग को क्या मिलेगा, लिक्विड स्टेट में मिलेगा एट रूम टेम्परेचर, मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर में। और गैसेस में कितना आएगा, 11 गैसेस होता है ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को अच्छा से डिस्कस करेंगे, मतलब एलिमेंट्स में क्या क्या आता है, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। फिर ये जो प्योर सब्सटेंस है कि नहीं, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स और क्या था, कंपाउंड्स था। तो एलिमेंट्स में भी कौन कौन सा आता है, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, कंपाउंड्स में वो आएगा। फिर इम्प्योर सब्सटेंस भी हम लोग डिस्कस करेगा सर, हो गया।